हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैभव अग्रवाल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जिसका जो एग्जाम हुआ था वो 30 जून 2023 को हुआ था। फ्रेंड्स, जो मेरा एग्जाम था वो था फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब 9 बजे से 10 बजे के बीच में था। एंट्री की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो एंट्री तो 8:45 से 8:30 तक ही थी, मतलब 45 मिनट के अंदर ही आपको एंटर करना है, आधे घंटे पहले आपकी एंट्री बंद हो गई थी, 9 से 10 के बीच में पेपर था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पेपर की बात कर लेते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा पैटर्न 200 मार्क्स का पेपर होता है और 1 घंटा ही आपको मिलता है। पैटर्न की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो सिमिलर टू एसएससी सीजीएल टियर 1 ही होता है। 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 25 इसमें आपके रीजनिंग के होते हैं, 25 आपकी जीके मतलब जनरल साइंस जनरल स्टडीज, देन 25 आपके एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स के आप कह सकते हैं, और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से होते हैं। तो सेम पैटर्न था, लेकिन लेवल की बात करूँगा तो लेवल भी सेम ही था, जैसा अभी 2022 में एसएससी सीजीएल टियर 1 का पेपर हुआ था, तो सेम लेवल में कह सकता हूँ कि सेम लेवल था, क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल टियर 1 भी दिया था 2022 का। तो मैं अटैम्प्ट की बात करता हूँ फ्रेंड्स, अटैम्प्ट मैंने कितने क्या करें, और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल की भी यहाँ पर बात करेंगे कि क्या रीजनिंग कितनी डिफिकल्ट थी और मैथ कितनी क्या डिफिकल्ट थी, कंपेरिजन भी कर सकते हैं अपन थोड़ा बहुत। तो रीजनिंग की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो रीजनिंग काफ़ी इजी थी और मैंने 25 में से 25 अटैम्प्ट करे और समथिंग 15 से 16 मिनट में मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए थे। और मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है और मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर मॉक वगैरह दिए थे, और तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन फिर भी मुझे डाउट रहता है कि 1-2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए होंगे, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो 25 में से 23 क्वेश्चन तो मैं श्योर हूँ कि 23 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे। तो 15 से 16 मिनट में मैंने रीजनिंग कर ली थी। उसके बाद आती है जीके, जीके में मैंने 25 में 25 अटैम्प्ट करे। रीजन उसके पीछे क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट यहाँ पर देता था घर पे, तो जब जो क्वेश्चन मुझे आते थे जीके में, क्योंकि मेरी जीके लिटरली 0 है और मैं थोड़ा बहुत ही यहाँ पे करंट अफेयर्स वगैरह में थोड़ा सा फोकस करता हूँ, बाकी जीके बिल्कुल ही 0 है, तो जो क्वेश्चन मुझसे बनते थे अगर उनके क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर लगाता तो मेरे 5, 10, 12, 5, 10, 12 ऐसे नंबर आते थे मॉक टेस्ट में। फिर मैंने सोचा क्यों ना यार 25 में से 25 लगा के देखते हैं और कितना क्या आता है, क्योंकि जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है सही होने की 25% है हर एक क्वेश्चन होने की, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे, 4 में से 1 क्वेश्चन भी आपका सही हुआ तो 4 में से 1 सही हुआ तो 4 नंबर मिले, 3 गलत हुए तो 3 नंबर कट गया, मतलब आपको 1 नंबर का फिर भी यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि थोड़ा प्रोबेबिलिटी निकाली, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी यहाँ पर मार्क्स लाने की, तो मैंने 25 में से 25 अटैम्प्ट करता था मैं मॉक टेस्ट में। तो फिर मेरा था थोड़ा सा स्कोर जीके में बढ़ने लगा था, 5-10 नंबर आराम से बढ़ रहे थे हर एक टेस्ट में, ऐसा नहीं था कि 15 से 20 नंबर से कम आ रहे हो। और जब मेरे से क्वेश्चन जो जितने बनते थे मैं 25 अटैम्प्ट नहीं करता था, तब मेरे नंबर 5, 10, 5, 10, 12 ऐसे नंबर आ रहे थे, रेयरली किसी टेस्ट में 15 या 20 गया हो जिस अगर मैंने टुपके नहीं लगाए तो, और टुपके लगाने के बाद 15 या 20 जाते थे मेरे जीके में। तो मैं यहाँ पर मैं जीके में 25 में से 25 करके आया हूँ। उसके बाद बात करते हैं, मैंने 3rd नंबर पर जो अटैम्प्ट किया था वो किया था मैंने इंग्लिश, और टाइम की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जीके में मुझे समथिंग 7 से 8 मिनट यहाँ पर लग गया था, तो समथिंग अगर आप 7 मिनट या 8 मिनट मानते तो 16 और 7 यहाँ पर 23 मिनट यहाँ पर मेरा यहाँ पर हो गया था जीके और रीजनिंग को मिला के। उसके बाद 12 मिनट समथिंग मुझे इंग्लिश में लगा, तो 35 मिनट और 25 मिनट मैंने यहाँ पर अपना एप्टीट्यूड किया था। तो इंग्लिश में 12 मिनट में 25 क्वेश्चन थे और मैंने यहाँ पर श्योर हूँ मैं कि 22 क्वेश्चन समथिंग 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पर सही होने चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने 25 में से 25 अटैम्प्ट करे यहाँ पर इंग्लिश में भी, और इंग्लिश में भी कोई श्योर नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है जिसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है तो वही वो श्योरिटी के साथ मेरे ख्याल से कह सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं कि आपको डाउट होता ही होता है कि ये सही भी हो सकता है, मतलब दो आंसर भी कई बार ऐसा लगता है कि ये आंसर भी सही हो सकता है, ये आंसर भी सही हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ इंग्लिश में कितना क्या स्कोर मेरा हो सकता है 15 ही सही हो सकता है, 18 सही हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 भी सही हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो 25 अटैम्प्ट मैंने इंग्लिश में करे, 25 मैंने रीजनिंग में करे, 25 मैंने जीके में करे। बात करते हैं एप्टीट्यूड की, 25 में से मैंने 23 क्वेश्चन ही यहाँ पर एप्टीट्यूड करे, और मेरे ख्याल से जो मैंने 23 क्वेश्चन करे वो 100% श्योर है और सही भी है, क्योंकि मैथ में एक्यूरेसी मेरी ठीक है, अच्छी है, और 95% से ऊपर ही परसेंटेज एक्यूरेसी अक्सर रहती है मेरी मॉक टेस्ट वगैरह में भी, 95% या 90% से ऊपर ही मेरी मॉक टेस्ट में रहती है, 100% भी कई बार रहती है। तो और जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करे हैं 23, तो 23 में से मेरे ख्याल से पूरे सही है, 23 के 23 सही है। 2 क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहे थे, ऐसा नहीं है कि बन नहीं रहे थे, थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया, 2 मिनट ही थे मेरे पास और कैलकुलेटेड क्वेश्चन थे, तो जो मैंने मतलब जो 2 क्वेश्चन में से एक पहला वाला पकड़ा तो उसमें 1.5 मिनट लग गया, फिर भी आंसर मेरा मैच नहीं किया, थोड़ा कैलकुलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। फिर मैंने 30 सेकंड में दूसरा क्वेश्चन ट्राई करने की किया तो वो भी कैलकुलेटिव था, इस वजह से मेरे को दोनों क्वेश्चन रह गए, मतलब थोड़ी सी मेरी मिस्टेक होगी, अगर मैं सेकंड वाला क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करता तो शायद वो वाला हो ही जाता 2 मिनट के अंदर, कितना भी कैलकुलेटिव होता। खैर ठीक है, और 25 में से यहाँ पर मतलब 23 मैंने मैथ में अटैम्प्ट करे, तो टोटल ओवरऑल बात करूँगा मेरा तो 98 अटैम्प्ट यहाँ पर आए और 25 जीके के हैं जो बिल्कुल टुक्का लगाए हुए हैं, और मतलब 5-7 क्वेश्चन ही मेरे से अच्छे से बनते होंगे उसमें से, मुझे ऐसा याद। तो ये मेरा पूरा टोटल एक्सपीरियंस था और मुझे लगता नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा,
और क्योंकि जो जिस पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है केवल 8 से 10 वैकेंसीज हैं टोटल, उसमें 3 फॉर्म मैंने यहाँ पर भरे थे ITI एक्सपीरियंस के बेसिस पे 3 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले के लिए, तो केवल 8 से 10 वैकेंसी थी और मुझे खुद नहीं पता, श्योर नहीं है कि कितना क्या कट ऑफ यहाँ पर जाने वाला है, तो देखते हैं क्या ठीक है। मैंने सोचा कि फिर भी पेपर दे के देखते हैं और कैसा क्या लेवल रहता है, थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस की वजह से ही मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिया और मेरा ऐसा कुछ मोटिव नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट में जाना है। तो फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, अगर आपने भी SSC सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दिया है तो आप भी अपना यहाँ पर स्कोर बोर्ड है और आपने कितने अटैम्प्ट करे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।